शंकर गौरा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और उसे भारत की जीत बताया। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब भारत विजयी है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो विपक्ष के द्वारा कई आकलन लगाए गए, कई ऐसी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। और हमेशा उनके भाषण में आप देखिए वो कहते थे 125 करोड़ देशवासियों, तो कभी भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। और उनको उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अभी हमारे प्रभारी जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से इस चुनाव को हमेशा चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का होता था, ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का था, और इस चुनाव को देश की जनता ने लड़ा है। ये निश्चित सच है कि कहीं पर भी जाइए, जहां अब हम राजस्थान देखें तो कहीं एक तरफ सरकारी तंत्र था तो दूसरी तरफ देश की जनता ने चुनाव लड़ा। बंगाल में चले जाइए, जहां बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दे दिया जाता था, सभाएं नहीं होने दी जाती थी, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां मारा जा रहा था, फिर भी वहां देश की जनता ने चुनाव लड़ा। तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि देश की जनता चुनाव लड़ रही थी और वही हुआ, देश की जनता चुनाव लड़ी और एक अच्छे बहुमत से देश की जनता चुनाव जीती। संयोग जी, जी कोई टिप्पणी आपकी? नहीं नहीं नहीं, दौसा को लेके आप कुछ कहना चाह रहे जी, थे। मैं दौसा का भी मैं परिणाम अभी देख रहा था कि बड़ी नेक टू नेक फाइट थी पहले, पर अब मार्जिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जसकौर मीणा का, कांग्रेस की उम्मीदवार सविता मीणा के खिलाफ। मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये जानकारी देना चाह रहा था कि सविता मीणा और जसकौर मीणा के बीच का जो चुनाव है वो बड़ा, मतलब जिसे कह सकते हैं, बड़ा भारी दंगल आपस के अंदर था। जसकौर मीणा जो है वो सवाई माधोपुर की रहने वाली हैं और लास्ट मोमेंट पे उनको टिकट दिया गया। उससे पहले ये बात चल रही थी कि या तो गोलमा देवी चुनाव लड़ें, गोलमा देवी चुनाव नहीं लड़ें तो ओम प्रकाश हुड्डा हैं उनकी वाइफ को टिकट देने की बात कर रहे थे, तो जिसका किरोड़ीलाल मीणा ने बहुत जबरदस्त विरोध किया, तब जाकर के इस बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर जसकौर मीणा का नंबर आया। पर कांग्रेस की तरफ से सविता मीणा को टिकट बिल्कुल सर्वसम्मति से दिया गया। पूर्व मंत्री रहे हैं मुरारीलाल मीणा, उनकी वाइफ हैं, मुरारीलाल मीणा जो हैं उनको राजनीति में लाने वाले व्यक्ति राजेश पायलट थे, तो इसलिए सचिन पायलट का पूरा स्वाभाविक तौर पर यह था कि वो जान लड़ा करके उनको चुनाव जिताएं। और अशोक गहलोत को भी किसी भी बात को लेकर के ये गतिरोध नहीं था कि वो सविता मीणा के पक्ष में नहीं है। सविता मीणा वहाँ की लोकल रहने वाली, उनका ससुराल वहाँ पर, उनका पीहर वहाँ पर, सचिन पायलट ने पूरी जान लगा रखी थी, दौसा गुजर बाहुल इलाका है, उसके बावजूद आज उनकी कंफर्टेबल जीत नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या सचिन पायलट का भी वो जादू नहीं चल पाया गुजरों के बीच के अंदर जो वो सोचते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बाद में या उनके समकालीन अगर आज की तारीख में अगर देखा जाता है तो सचिन पायलट को गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। पर अगर इन विधानसभा लोकसभा माफ कीजिएगा चुनावों को परिणामों को देखे जाएं तो क्या गुर्जर समाज ने दूरियां बनाई सचिन पायलट से, ये कि सोचने वाला विषय है। यही बात सवाई टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में भी देखने को मिल रही है और यही सीट माफ कीजिएगा दौसा के अंदर देखने को मिल रही है और इसी तरीके की कुछ बानगी अजमेर लोकसभा सीट में भी देखने को मिली, क्योंकि अजमेर के अंदर तो घोषित कर दिया गया है रिजु वाला चुनाव हार चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये आंकड़े पूरी तरह से सामने आएंगे कि किन किन विधानसभा सीटों के अंदर कौन कौन से ऐसी जगह है पर हैं जहां पर कौन कौन से बकेट कौन कौन से समाज के थे जहां जहां उनको वोट मिल पाया नहीं मिल पाया, तो निश्चित तौर पर जब इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह बात सामने आएगी कि गुर्जर समाज का जो समर्थन कांग्रेस को मिलना चाहिए था सचिन पायलट के कारण शायद वो नहीं मिल पाया। राखी जी चलिए अभी हम एक बार स्वागत कर लेते हैं स्टूडियो में, हमारे कांग्रेस से हमारे साथी जुड़े हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी। प्रदीप जी स्वागत है आपका। जनता ने बिल्कुल शायद नकार सा दिया है कांग्रेस को, क्या कहेंगे? देखिए जनतंत्र है, जो मतदाता ने अपनी मंशा जाहिर की है उसका हम स्वागत करते हैं और ये एक लोकतंत्र की व्यवस्था है कि लोगों को अपनी बात कहने सुनने का अधिकार है। पर सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में कुछ नई बातें आई हैं और जो पहले कभी भारतीय चुनाव के इतिहास में नहीं दिखाई थी। जैसे इस बार देखें कि सत्ताधारी पार्टी ने जो अनुमान 19 तारीख के बाद के जो विश्लेषण मीडिया पर आए उसमें आप देखें कि जो संख्या वो दावा कर रहे हैं वही संख्या का परिणाम आ रहा है। तो सवाल यह है कि अगर इतनी निश्चितता उस आकलन में आई है
तो ये एक संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान में जहां हम रहते हैं, जहां हमारी राजनीति में शामिल हैं, वहां देख रहे हैं कि इस तरह की ना तो कोई हवा थी, ना ही कोई ऐसे मुद्दे थे। पर सवाल ये है कि 3 महीने पहले कोई सरकार अगर आई हो और उस सरकार के 3 महीने के कार्यकाल के दौरान जिसमें सरकार उन लोगों ने बनाई हो उनका इतना विरोध हो जाना एक संशय पैदा करता है। और इन 3 महीनों के बाद चुनाव की आचार संहिता लग जाना, उसके बाद मुद्दों की बात में एक लिबरल सरकार का आना, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री का सरकार बनाना, मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को लेकर अब नेशनल परिप्रेक्ष्य में अगर सारी बातों को देखें तो 350 का दावा अगर कोई पार्टी, सत्ताधारी पार्टी विश्लेषण के आधार पर कर रही है और उसके अनुपात ही रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, तो ये संशय पैदा कर रहा है। अब ये ईवीएम मशीन का जो मसला है जिस पर सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से बात करने की पेशकश की और उनको अपनी सारी जो आपत्तियां थी वो देने की बात कही, आप देखें कि उस सारी की सारी आपत्तियां चुनाव आयोग ने दरकिनार कर दी। उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर चुनाव आयोग से चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं में खामियों की चर्चा की या शिकायत की तो उसका प्रतिरोध या उसकी खिलाफत जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। चुनाव आयोग ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उन्होंने कोई जवाब दिया और उनका बचाव करते रहे भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संस्था का अपना एक ऑटोनोमस एक स्टेटस है सरकार में, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके पास अपना सूचना तंत्र है, वहां उसके मीडिया विभाग है, उनको ये मौका नहीं देकर के सरकार खुद उसका विचार कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र के इस बार के सिस्टम में ये कुछ नई बातें आई हैं जो संशय पैदा करती हैं। और मुझे लगता है कि देश में अगर सारा उनका एक आकलन था कि 350 सीटें आ रही हैं, तो मैं समझता हूं ईवीएम की मशीन को लेकर के जो बात विपक्ष कह रहा है वो कहीं ना कहीं साबित हो रही है। शंकर जी, आप जवाब दें इस बात का। देखिए, मैं तो एक ही चीज पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, अगर राहुल गांधी जी अमेठी में हार गए और वायनाड में जीत गए तो ईवीएम खराब है? सवाल हार जीत का नहीं, जब आप राजस्थान, सवाल हार जीत की बात मैंने नहीं कही है। सुनिए, आप पहले, मैंने सवाल मैं जो पहले भी मैंने बताया, पहले मेरी सुन लीजिए, आप बोल रहे थे सुनिए मेरी बात। आप बोलिए, मैं आपको कह रहा हूँ जब राजस्थान में इन्होंने चुनाव जीता, जब इन्होंने ईवीएम पे कोई चर्चा नहीं करी, जो भी संवैधानिक संस्था इनकी कोई बात सही हो जाती है या इनकी बात से सहमत होती है वो सही है, और जो भी चीज से इनकी बात से कोई असहमत रहता है वो गलत हो जाता है। तो ये देश की जनता जनार्दन के जनादेश का अपमान है। आप ये ईवीएम पे इन पे मत लगाइए आरोप। आदमी वोट देने जाता है तो जिस पे भी वो वोट देता है तो उसका चुनाव चिन्ह सामने आता है। एक भी विरोध आपने पूरे भारत में देखा क्या? किसी व्यक्ति ने ऐसे कहा हो कि मैंने वोट बीजेपी को दिया और कांग्रेस को गया? तो ये सिर्फ झूठी बात है। जब एग्जिट पोल आए उसके बाद में विपक्षियों को लगा कि कैसे भी हमारी इज्जत बचाए, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, इनको लगा कि इनका सब कुछ लूट गया है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के राजस्थान में सरकार बनाई थी। राजस्थान में इन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता कहा है। तो इन सब चीजों को युवा समझ चुका है, इन सब चीजों को किसान समझ चुका है, और जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया उसके विश्वास के आधार पर देश की जनता ने चुनाव लड़ा और देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई है। और ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है कि ये कभी ईवीएम पे बोलने लग जाते हैं कि ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम वो एक सेकंड शंकर जी, जब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब विपक्षी दलों को चुनाव आयोग ने बुलाया था साल भर पहले कि आइए आप हमें ईवीएम एक करके बताइए, तो कहां गए थे विपक्षी दल? इनके एक नेता विदेश गए और हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करने के बजाय कहा कि एक हैकर मैं विदेश से लेके आऊंगा, वो हैक करके बताएगा। कहां गया वो हैकर? जब इनके पक्ष में नतीजे आते हैं तो ईवीएम भी सही रहती है, सब चीजें सही रहती है, इनके विपक्ष में नतीजे आते ही वो ही राग अलाप शुरू हो जाते हैं। मैं एक मिनट शंकर जी, मैं भी प्रदीप जी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ईवीएम की बात निश्चित तौर पर आप लोगों की तरफ से कही गई विपक्ष की तरफ से, क्या कोई प्रमाण पेश किया आज दिन तक? देखिए, आज कोर्ट में भी हम जाते हैं तो कोर्ट भी प्रमाण मांगता है या कोई भी संवैधानिक संस्था प्रमाण मांगती है, तो क्या आप एक संशय के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जो जनादेश है वो जनादेश मैन्युपुलेटेड है या कंटेमिनेटेड है? कोई अगर हमारे पास में प्रमाण है तो वो क्या प्रमाण कांग्रेस या विपक्षी दल पेश कर सकते हैं क्या ईवीएम मशीन? सवाल आप जो बात कह रहे हैं, मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले इस देश में चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में इस तरह की स्थितियां पहली बार देखी गई हैं, जिस तरह से आपको बताना चाहूंगा। तो मान लीजिए ना, इस बार ये भी तो माना जा सकता है। सवाल ये, जनता ने नकार भी दिया, ईवीएम मशीनों का पहले, इससे पहले कभी भी स्ट्रांग रूम से उनका मूवमेंट रजिस्टर नहीं किया गया।
इस बार के चुनाव में 19 मई के बाद जब ये बंद हो गया स्ट्रांग रूम्स में मूवमेंट हुआ है ईवीएम मशीन्स का। अब आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग कहता है कि हमने ट्रेनिंग के लिए निकाली, निकाली, इसका प्रमाण क्या है कि वो मशीनें ऑथेंटिक थी, काम में ली हुई नहीं थी या वो अतिरिक्त थी? सवाल ये है कि जिस व्यवस्था के पार्ट में संदिग्ध अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सवाल खड़े होते हैं। आपको एक उदाहरण बताऊंगा, जब गुजरात में राज्यसभा के चुनाव थे, जब दो लोगों ने वोट दिखा के डाले तो उनका वोट रद्द किया, और जब इन ये जब चुनाव आयोग में ये गए और उन दोनों वोटों को बीजेपी को रद्द कर दिया, जब इनके लिए चुनाव आयोग सही था, इनके लिए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सब चीजें जब सही होती है, जब ये इनके पक्ष में फैसला आ जाए, अरे भैया देश को जिस प्रकार से राहुल गांधी जी फेल हो चुके हैं, आप उनको बचाने की कोशिश मत करिए। जिस प्रकार से देश की जनता को झूठ बोला, जिस प्रकार से एक झूठा मुद्दा लेके पूरे देश भर में उसका भारमक प्रचार किया, आज देश की जनता ने बता दिया कि चौकीदार प्योर है। आप देखिए जो बात आप कह रहे हैं, मैंने उन बातों का जिक्र अभी इसलिए करना उचित नहीं क्योंकि अब मैंडेट आ चुका और रिजल्ट सामने है। सवाल यह है कि मैंने जो प्रश्न उठाया वो ये है कि जिस पार्टी ने चुनाव के विश्लेषण के दौरान, अनुमानों के दौरान जो संख्या बताई है, वही के वही परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। ये इस बात को साबित करता है कि ये स्थितियां उनके नियंत्रण में हैं और ये कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही हैं। चलिए सर, मैं ये बात समझते हैं, पर ये जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया अभी चुनाव के दौरान, मैं बात सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की नहीं करता हूँ, किसी पर्टिकुलर लीडर की नहीं करता हूँ, क्या इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना क्या लगता है कि लोकतंत्र के लिए कितना सार्थक साबित हो सकता है? प्रदीप जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जैसे मैं इनके लीडर की मैं इनसे बात करूंगा, आपके लीडर की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जैसे चौकीदार चोर है या इस तरीके की शब्दावली जिसके कारण राहुल गांधी को चुनाव आयोग से भी माफी मांगनी पड़ी है, तो ये तो कोई बात बनाई हुई है, मनगढ़ंत तो है नहीं, तो क्या लगता है कि जनता में किस तरीके का मैसेज गया? देखिए, आप भी देख रहे हैं पिछले 6 महीने से जो चुनाव का माहौल देश में चल रहा है, कांग्रेस ने पहले भी चुनाव लड़ा है और इस तरह की गरिमा पहले के चुनावों में कभी नहीं गिरी। ये 5 साल में देश में जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जो माहौल बना है, ये आपने कभी पहले महसूस नहीं किया। कांग्रेस तो 130 साल पुरानी पार्टी है, उसके संदर्भ में कभी इस तरह का माहौल, अगर मान लीजिए हम इसके श्रोता होते या इसके हम स्रोत होते तो ये शायद ये संभावना पहले भी होती। ये इन 5 सालों के दौरान ही ये सारी भाषा का विवाद, एटीट्यूड का विवाद, जुमलों का विवाद, ये बात कहना, अपने बारे में खुद ही बातें करना, ये इस तरह की जो व्यक्तिगत बातें शुरू हुई है वो व्यक्तिगत वाद की राजनीति होती है, तब शुरू होती है। और ये इस चुनाव में आप देखें तो राजनीति पर व्यक्तिवाद हावी हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में आए हैं, तब से 2014 में उन्होंने जो बातें कही, विकास की बात की, वो विकास की बात 2019 में गायब हो गई और अब वो कहते हैं कि साहब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद सिर्फ सीमा पर जो कार्रवाई चल रही है, जिसकी सेना का संचालन करती है, सेना का वो एक अभिन्न अंग है, उनकी अभी प्रैक्टिस है, उसका वो जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद की बात है। राष्ट्रवाद तो देश में क्रिकेट टीम जीतती है हमारी तो देश में राष्ट्रवाद दिखाई देता है, हम लोग हॉकी का टूर्नामेंट जीतते हैं तो दिखाई देता है, हमारी ऐश्वर्य राय अगर मिस वर्ल्ड बनती है तो दिखाई देता है। पर सवाल यह है कि सेना के नाम पर इस राष्ट्रवाद की मार्केटिंग करना और लोगों को उसमें भ्रमजाल में फंसाना, ये मैं समझता हूं उचित नहीं है और ये इन 5 सालों की राजनीति शुरू हुआ है। आप नहीं मानते कि जनता के बीच कांग्रेस की लोकप्रियता कम नहीं हुई, ये आप ये मानते हैं? बिल्कुल नहीं हुई है, सवाल ये नहीं है। आप यही मानते हैं कि 130 साल पुरानी की लोकप्रियता कम होने का सवाल इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो पारंपरिक राजनीति देश में आती है उसका पालन किया? ये भी कहना है कि अगर कोई परिवर्तन की अगर सोच जनता चाहती कि कांग्रेस में होनी चाहिए तो वो भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो परिवारवाद की बात हो या और भी कोई ढांचागत जो अगर उनको परिवर्तन करने, तो वो भी नहीं, जो ढर्रा या ढांचा चला आ रहा है वही चलते रहना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? आप जिस परिवार की बात करते हैं, वो परिवार हर 5 साल बाद में मैंडेट लेता है, वो चुनाव जीतता है, तो सवाल यह कि आप परिवारवाद की जो भाषा चाहते हैं उसमें उस परिवारवाद की बात भी करें तो उन्होंने हर 5 साल में मैंडेट लिया है और वो चुनाव जीतकर संसदीय प्रणाली में शामिल हुए हैं, इसलिए परिवार की बात और परिवार के हर व्यक्ति को इस प्रक्रिया में भाग लेने का हक है। आप कैसे कह सकते हैं? फिर वही उसी जनता ने इन्हें भी तो चुना है, आप इसको कैसे स्वीकार नहीं करते? मैंने आपसे जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसका एक सीधा तर्क यह है कि सत्ताधारी पार्टी ने जो संख्या अनुमानों पर बताई है वो संख्या का परिणाम सामने आ रहा है, तो हमको लगता है कि ना तो हवा है ना मुद्दों की लड़ाई है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक पूर्वानुमान जो उनके पास है, उनके पास कहीं उनकी गणित थी, उनके 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 अधिकार में है, उनके कंट्रोल में है और इसका हमें संशय पैदा होता है। शंकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो इतना सा कहना चाहूंगा, प्रदीप जी को बताना चाहूंगा, मौत का सौदागर सबसे पहले किसने कहा, जहर की खेती करने वाला सबसे पहले किसने कहा, नीच किसने कहा,
अरे आप देखिए कांग्रेस ने क्या क्या देश के प्रधानमंत्री को कहा है, लगभग 100 गालियां इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को दी है। और उससे पहले जिस प्रकार से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी छवि को किस प्रकार से धूमिल करने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी एक तरफ कहते थे चौकीदार चोर है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कहते थे माफ कर दीजिए, फिर बाहर आके कहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, उनको बुलाया और उन्होंने माफी मांगी। ये सब देश की जनता ने देखा है, यही मैं कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने सुनंदा को 50 करोड़ गर्लफ्रेंड का, सुनिए मेरी बात, दूसरी तरफ देश की बहस में करते हुए मोदी को देश का बाप पास कहीं मुद्दे नहीं बचे हैं, सवाल ही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस झूठ के आधार पे और दूसरी तरफ ये वंशवाद की बात कर रहे हैं। वंशवाद की बात में मैं कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर सांसद का चुनाव लड़के आता है उसको लड़ने का अधिकार है, किंतु राजीव गांधी जी 2.5 साल के सांसद सीधे देश के प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। राहुल गांधी जी में ऐसा क्या है जो सीधे उनको देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है कांग्रेस पार्टी का। मैं कहना चाहूंगा ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, ये परिवार लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस। शंकर जी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, मैं बताना चाहूंगा शंकर जी, एक सेकंड मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। राष्ट्रीय महासचिव जी, शंकर जी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, राहुल गांधी जी पहले महासचिव भी रह चुके हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिर कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, और कार्यवाहक अध्यक्ष होने के बाद में अध्यक्ष, एक ही परिवार में यूपीए का चेयरपर्सन, एक ही परिवार में, एक ही परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक ही परिवार में कांग्रेस के आपस की आइडियोलॉजी है। देश भर में ये जनता ने देखा है, जनता ने वोट इसी आधार पे दिया है, जनता की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास संगठन की बात उनकी अलग है। अरे शंकर जी चलिए मेरी बात का जवाब दीजिए फिर आप, ये बात आपकी माने मान ली, हो सकता है ये बात कांग्रेस को कहनी चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ, क्या वोट एक व्यक्ति के नाम पे मांगे जाने चाहिए? एक बार फिर मोदी सरकार क्यों नहीं, एक बार फिर भाजपा सरकार, उम्मीदवार का क्यों? कोई मतलब क्यों? क्यों आपने पार्टी को पीछे कर दिया, आपने व्यक्ति को आगे कर दिया? जी पार्टी हमेशा आगे रही है, हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता है। क्यों एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी जी के नाम पे हमने वोट मांगे, मोदी सरकार ने जो काम किया जिस आधार पे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पार्टी से ऊपर हो गए ना, और भाजपा के संगठन ने जिस प्रकार से काम किया है, आप देखिए बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितने प्रवास किए, वो 2014 के बाद में बंगाल कितनी बार गए, वहां पर हमने बूथ तक की कैया खड़ी करी है हमने, जब जाके वहां चुनाव जीते हम, जिस प्रकार से हमारा संगठन काम करता है, एक एक बूथ पे जाके जिस प्रकार से मेहनत करता है, एक एक बूथ का कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत करता है, पन्ना प्रमुख जिस प्रकार से मेहनत करता है उसके आधार पे, और दूसरा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस प्रकार से गरीब को गणेश मान के गरीबों के लिए जिस प्रकार की योजना लाई है, आप देखिए आजादी के बाद में से हजारों ऐसे गांव थे जिनमें बिजली तक नहीं पहुंची थी, उनमें बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन लोगों के पास आवास नहीं थे, मकान नहीं थे, जिनके घर के जिनके सिर के ऊपर छत नहीं थी उनको आवास देने का काम किया। जी, ये बात अनेकों नहीं, काम देख तो आपने विकास के वोट क्यों नहीं मांगा? अरे भैया आपने विकास के वोट क्यों नहीं मांगा? अगर आपने विकास किया था तो विकास को प्रधानमंत्री बना रखा था जिन्होंने, इनके समय में देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हमारे समय में देश 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था है, ये आप आंकड़े देखिए ना, ये सिर्फ झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, धोखा देना इनकी कांग्रेस की प्रवृत्ति में जनता को, और जनता ने आज सबक सिखा दिया है। अब ये करेंगे 4-5 दिन तक ईवीएम खराब हो गई थी, ये हो गया था, वो एक सेकंड मैं आपको विराम लगाने के लिए कहूंगा, मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूं, देखिए आप कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में, दोनों ही सरकारें सही हो गई। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी, जयपुर शहर से रामचरण बोहरा ने जीत दर्ज कर ली है, हालांकि वो बहुत पहले से काफी अच्छे मार्जिन लेके चल रहे थे और अब उनको ऑफिशियली उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जी प्रदीप जी, अभी रिसेंटली चुनाव हुआ राजस्थान के अंदर, रिसेंटली चुनाव हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, दोनों ही जगह पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया स्टेट्स के अंदर, और आज जब 3 महीने 4 महीने का जो भी वक्त 5 महीने का वक्त जो निकला, आज वहां पर उन्हीं स्टेट्स के अंदर कांग्रेस को बहुत बड़ी मुक्की खाने को मिल रही है, दोनों ही जगह पर यह स्थिति की खाता नहीं खोल पा रही है कांग्रेस, आखिरकार क्या वजह है? हम बात इतनी सी करना चाह रहे हैं कि मशीनरी इक्विपमेंट वही है जो उस वक्त चुनाव में इस्तेमाल किया गया था, आज भी वही किया गया, तो क्या आखिरकार वजह है कि कांग्रेस वो लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई जिस लेवल पर विधानसभा चुनाव में करा था? संयम जी आप देखिए कि दोनों जो मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री हमारे बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और वो अपने राजतंत्र के लिए जाने भी जाते हैं। सवाल ये है कि 3-3 महीने की सरकार में
उनको 3 महीने पहले उन्होंने सरकारें, 5 महीने पहले उन्होंने सरकारें बनाई अपनी और लोकतंत्र में जो उनको मैंडेट मिला उसे बनाई। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा मैंडेट उनको नहीं मिला। सवाल यह है कि इसलिए आप कहेंगे साहब हम जीत गए तो हम बोल रहे हैं, हमारा बहुत ही कॉम्पिटेटिव सेटअप था उसमें और हम बड़ी नपीतुली स्थितियों में वहाँ सरकार बनाई है। लेकिन सवाल यह है, सवाल यह है कि दोनों ही स्टेट्स में जो रेशो है, मतलब सारी की सारी सीटें हमारे हाथ से जा रही हैं, जबकि ऐसी कोई, मैं कह रहा हूं आपसे, फिर कोई ना हवा थी ना कोई मुद्दा था। सुनिए बात नहीं है, बात शंकर जी एक बार उनको बोलने दीजिए। तो दोनों ही स्टेट्स में अगर रेशो, बीजेपी के रेशो को, वोट जो मिलने का रेशो है वो अगर सिस्टम को ही तोड़ रहा है तो ये शंका पैदा कर रहा है। हम कहते हैं कि हमने 3 महीने में जो भी काम किया, सर 3 महीने से पहले हमने कर्जे माफ किए। हम सत्यात्मक बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। विधानसभा चुनाव के अंदर जितना वोट पड़ा, जितना परसेंटेज, 65, 67, 68 जो भी था, 65 के आसपास, उतना ही वोट इस बार लोकसभा के अंदर पड़ा। तो ना तो वोट मार्जिन कम हुआ ना वोट मार्जिन ज्यादा हुआ, लगभग लगभग वोट मार्जिन उतना ही पड़ा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस वक्त जो जनादेश लोगों ने दिया था वो अलग था और इस बार जो जनादेश दिया वो अलग है? तो जब जनादेश में परसेंटेज नहीं बदला तो रिजल्ट कैसे बदल गए? इतना फर्क कैसे आ गया? इतना फर्क कैसे आ गया? सवाल यह है कि अगर वोटर वही है, वोटर वही है, जनादेश वही है, परसेंटेज वही है, तो फिर परिणाम कैसे बदल गए? सवाल यह है, यही शंका पैदा कर रहा है। इसका तो जवाब स्क्रीन दे रही है, इसका जवाब तो पेटियां दे रही जो खुल रही है, इसका जवाब आप और मैं नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए परसेंटेज बढ़ता या कम होता, उसमें वेरिएशन होता, तो ये बात समझ में आती थी। जब वोटिंग का परसेंटेज विधानसभा में और लोकसभा में एक जैसा है तो फिर सीटों की संख्या का परिवर्तन अचानक ऐसे इस एक लेवल कैसे हो रहा? कारण है, कारण है, कारण है। एक जुमला उठाता बहुत ज्यादा पिछले विधानसभा चुनाव में कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। शायद जनता ने जो वसुंधरा से नाराजगी थी उस नाराजगी को देखते हुए आपको जिताया था और अब उन्हें मोदी को जिताना था, इसलिए उन्होंने वहां पर वोट दिया। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। ठीक है, देखिए मैं कारण आपके सहमत बोले से नहीं, नहीं कह सकते। एक मिनट मेरे को मौका दीजिए, मैं कारण बता देता हूँ। विधानसभा चुनाव में इन्होंने सभी प्रमुख जातियों के मुख्यमंत्री अनाउंस किए। विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा कि हम संपूर्ण कर्ज माफी कर देंगे। विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। विधानसभा चुनाव में कहा 1,60,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। विधानसभा चुनाव में जब कर्मचारियों ने हड़ताल करी तो इन्होंने कहा कि हम सारे जो कर्मचारियों की मांगे है वो मान लेंगे। दूसरी तरफ मैं बताता हूँ, राजस्थान ने इनकी सरकार बनने के बाद में सिर्फ एक मामले में प्रोग्रेस की है, दुष्कर्म की घटनाएं और क्राइम की घटनाएं। आज आप अखबार उठा के देखिए, शर्माती अखबार देखते हुए एक बहन के साथ में गैंगरेप की घटना हुई और इन्होंने चुनाव में नुकसान नहीं हो जाए इस कारण उसको 7-8-9 दिन तक दबाए रखा। किसानों का इन्होंने कहा हमने कर्ज माफी कर दी। राहुल गांधी जी न्याय स्कीम लॉन्च करने आए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने कहा हमने राजस्थान में संपूर्ण कर्ज माफी कर दी है। तो भैया उसके 4 दिन बाद में 3 किसापुरा के किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। आप बताइए ना, कल परसों एक किसान ने कर्ज के चक्कर में आत्महत्या कर ली। तो ये सिर्फ झूठे वादों पे, और बेरोजगारी भत्ते के लिए इन्होंने मार्च, 1 मार्च के लिए अशोक गहलोत जी जब विश्वविद्यालय में उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने कहा 1 मार्च को आपके खाते में बेरोजगारी भत्ता जाएगा। अब बेरोजगारी भत्ते का भी पेच मैं बताता हूं आपको। इन्होंने कहा पहले तो कि हम सब शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, सिर्फ 72,000 को उसमें सेलेक्ट किया है, अभी तक एक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। लैब टेक्नीशियनों को इन्होंने 24 फरवरी को एक आदेश निकाला कि 28 फरवरी तक जो भी 2013 में लैब टेक्नीशियन लगाए गए थे 2000 उनको इन्होंने सेवाएं समाप्त कर दी। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, जिस प्रकार से इन्होंने गुमराह किया और जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया, जिस प्रकार से पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया, जिस प्रकार से गरीब को गणेश मान के काम किया, जिस प्रकार से रोडों का जाल बिछाया, जिस प्रकार के विश्व ग्लोबल में देश की छवि बनकर आई है, इन सब मुद्दों पे देश के युवाओं ने, देश की जनता ने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस बौखला चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये ईवीएम लेके आएंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाएंगे, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपके चैनल पर भी आरोप लगाना शुरू कर दे। नहीं देखिए, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, हम आप दोनों की बात है जो जनता तक पहुंचा रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं हमारा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर है, ठीक है। इसलिए हमारे पे आरोप लगाना ना लगाना ये बात कोई थोड़ी सी देर की बात है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी प्रेस से मुखातिब होने वाले हैं, कुछ देर में पता चल जाएगा कि कांग्रेस का खुद का क्या सोच है अपनी इस हार और जीत को देखते हुए। पूरे देश में अगर आप देखें इस बार के चुनाव में मोदी जी ने खुद कहा है कि वोट जो आप वोट पार्टी भाजपा को देंगे वोट मुझे जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ, सवाल वो नहीं है, सवाल ये आप समझिए इस बात को, उन्होंने कहा कि वोट मेरे खाते में जाएगा।
तो विकास की बातें क्यों नहीं हुई जो विकास की बात आप कर रहे हैं? और जैसे ही कांग्रेस आई है उन्होंने 61 जनहित में फैसले किए हैं, अशोक गहलोत की सरकार ने फैसले किए हैं, 3 महीने में जो काम हो सकता था उन्होंने किया है, और आज भी प्रदेश की राजनीति में सबसे मुख्य अगर लोकप्रिय मंत्री है तो मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत है। नहीं है जो भी चीज है, जनता का जो आदेश है वो आपके और हमारे सामने है। 25 की 25 सीटें लूज कर देना, आप सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार है सूबे में, कांग्रेस का मुखिया है मध्य प्रदेश में, सूबे के अंदर कांग्रेस का मुखिया है, वहां पर सरकार है, दोनों ही ऐसी जगह पर, सिर्फ एक पंजाब को छोड़ करके कांग्रेस के जितने भी शासक। संयम जी बहुत साफ साफ बात है कि इस चुनाव में 21 राज्य भारतीय चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर इस ये जो षड्यंत्र कर रहा है उसके हम शिकार हो रहे हैं, प्रमाण है, बात होगी। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अदालत में जाएंगे, अभी जाइए बात होगी, ये जनता का फैसला है, सबको शिरोधार्य होना ही चाहिए। आत्ममंथन का अब समय है, आप भी बैठ के समीक्षाएं करेंगे, सबकी सारी चीजें होंगी, तो इसमें आपको हमें उलझने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। शंकर जी, और ये बात बिल्कुल सही है जो अभी प्रदीप जी ने कही, ये बात मैं पहले भी कह चुकी थी कि ये बात कहना ठीक है भाजपा को बहुत अच्छा समर्थन जनता ने दिया है, लेकिन प्रत्याशी को बिल्कुल गौण कर देना ये भी लोकतंत्र की मेरे को लगता है हत्या के जैसा है। कि मोदी जी सिर्फ ये कहना कि कमल पे वोट कमल पे बटन दबाइए सीधा वोट मोदी को जाएगा, क्यों भाई? प्रत्याशी है जो आपको सांसद जिसको बनना है, क्या उसका कोई कद नहीं है? क्या जनता में उसकी कोई पूछनी होनी चाहिए? यहाँ जयपुर में सभा होती है, कई प्रत्याशी बैठे हैं मंच पर, लेकिन मोदी जी एक का नाम नहीं लेते, इसलिए बहुत सारी बातें हैं। ब्रीफिंग ये तो देखिए जैसे उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, इस समय जो पक्ष वो आपके खाते में जा रहा है, इसलिए बातें इस समय करना बेमानी है। आप दोनों स्टूडियो में आए, इतनी बात की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।